हे थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य मक्कड़। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4। बिगनर सीरीज में आप आ चुके हैं, मैंने आपको दिखाया वर्कआउट डे 1, डे 2, डे 3 आपको कैसे परफॉर्म करना है। मैं आपको मील्स भी बता चुका हूं, आपने कैसे मील्स लेनी है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो आज हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। डे 4 का वर्कआउट होगा, डे 4 पे आप आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्किनी जो लोग हैं, स्किनी लोगों को क्या करना है। आज आपका चेस्ट डे है, चेस्ट वर्कआउट आपको परफॉर्म करना है। डे 1, डे 2, डे 3 में जो आप स्ट्रेचेस परफॉर्म अभी तक करते हैं वही सेम स्ट्रेचेस आपको करने हैं। वर्कआउट से पहले आपकी बॉडी खुल चुकी होगी। अभी आपको सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है पुशअप्स। पुशअप्स भी आप कर चुके हैं सबसे पहले, तो पुशअप्स एक्सरसाइज आप करेंगे। पुशअप्स एक्सरसाइज उसी फॉर्म में करनी है, आराम से आपको करना है। 4 सेट आपको इसके लगाने हैं, 4 सेट × 12 repetitions। अब आप 3 दिन वर्कआउट कर चुके हैं, 4 सेट आप लगाएंगे, 45 seconds का आप रेस्ट लेंगे, फिर अगले सेट के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी होगी बेंच प्रेस। बेंच प्रेस आपको ओलंपिक बार के साथ परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक करें, जैसे मैं ग्रिपिंग ले रहा हूं वैसे आपको ग्रिपिंग लेनी है। सबसे पहले आप खाली रोड के साथ भी ट्राई करें, मैं यहां पे कुछ वेट के साथ ट्राई कर रहा हूं। फिर उसके बाद आप 2.5 kg 2.5 kg ईच साइड डाल सकते हैं, 5 kg ईच साइड डाल सकते हैं, वेट आप अपने हिसाब से करते रहें। सबसे पहले फॉर्म बनाने को देखें, जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे देखें। तो आपको 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं इसके, एक सेट ऐसा आपको लगाना है, 45 सेकंड्स रेस्ट इन बिटवीन सेट्स, और आपको ऐसे करने हैं 4 सेट। 4 सेट खत्म होएंगे तो आप लेंगे 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट। उसके बाद आ जाएंगे आप इंक्लाइन बारबेल प्रेस के ऊपर। इंक्लाइन बारबेल प्रेस जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको परफॉर्म करनी है, 10 repetitions आपको लगाने हैं। वैसे ही आप पहले खाली रोड को ट्राई करें, खाली रोड आपको ट्राई करनी है, चेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन में आपको हिट करना है नीचे लाकर। 4 sets आपको परफॉर्म करने हैं, 45 सेकंड्स ब्रेक इन बिटवीन द सेट्स, 4 sets × 10 repetitions परफॉर्म करने के बाद आप 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेंगे। थर्ड एक्सरसाइज पे अब आप आ चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज आपकी होगी फ्लैट बेंच डंबल फ्लाइज। फ्लैट बेंच डंबल फ्लाइज आपको परफॉर्म करनी है, अपने चेस्ट के ही पास रखने हैं डंबल, शोल्डर के पीछे नहीं जाना, चेस्ट के साथ ही फ्लाइज लगानी है आपको, हाथ को ओपन अप करके। जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है, एग्जैक्ट कॉपी तो महाराज आप कर सकते हैं। 4 sets आपको परफॉर्म करने हैं, 10 repetitions के आपको सेट लगाने हैं, 45 seconds इन बिटवीन, और 4 set होने के बाद आप 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर बढ़ेंगे हम चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। फोर्थ एक्सरसाइज जो कि आपकी होगी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपको आर्म स्ट्रेट रखने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ, वेट बहुत ज्यादा ही नहीं लगाना, जो मशीन के अंदर वेट होता है उसके 3 से 4 प्लेट्स को टारगेट करें। ऐसे आपको 10 repetitions लगाने हैं, 10 repetitions स्लो एंड स्टडी आराम से लगाएंगे, अपनी चेस्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे, माइंड और मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। 4 set ऐसे आप लगाएंगे, 4 set बटरफ्लाई लगाने के बाद आप 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेंगे। पानी वानी इसमें आप पी सकते हैं क्योंकि चेस्ट डे आप पहली बार लगा रहे हैं, 4 exercise आप चेस्ट की लगा चुके हैं। बढ़ते हैं 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम पहुंच चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज अब हम लगाएंगे पुल ओवर। पुल ओवर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है आपकी चेस्ट के ऊपर। दिमाग से सोचें आपकी चेस्ट स्ट्रेन हो रही है नहीं हो रही, सेम एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करें। बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से भी लगाते हैं, बट आप इसी तरीके से लगाएं क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो आप इसी तरीके से लगाएं पुल ओवर। पुल ओवर एक्सरसाइज लगाएंगे आप 4 sets 10 repetitions 30 seconds ब्रेक इन बिटवीन। 4 set लगाने के बाद आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आराम से स्ट्रेचिंग करनी शुरू कीजिए। ये हो जाएगा आपका चेस्ट डे कंप्लीट आज का। जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो HIIT वर्कआउट उठा लें इसके बाद और परफॉर्म करना शुरू कर दें। कुछ HIIT डे 1 और डे 2 के मैं लिंक्स डाल दूंगा। तो स्किनी लोग हैं उनका वर्कआउट आज इतना बहुत हो चुका है। तो जो मैं एक्सरसाइज के नाम रेपिटेशंस कितना आपको परफॉर्म करना है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैं, अच्छे से जाकर चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जितना आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करेंगे तो आपको नए नए एक्सरसाइज के आइडियाज़ मिलेंगे, फॉर्म देखने को मिलती रहेगी क्योंकि मैं रोज़ रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।